कासगंज में डिजिटल उपस्थित के विरोध में सोमवार को जनपद के सैकड़ों शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने नारेबाजी के साथ प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी विनोद कुमार जोशी को मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन दिया और अपनी मांगे पूरी ना होने पर डिजिटल उपस्थिति नहीं देने की बात कही। आपको बता दें, पूरे प्रदेश में शिक्षक डिजिटल उपस्थिति का जमकर विरोध कर रहे हैं और सड़कों से लेकर जिला मुख्यालय तक प्रदर्शन कर रहे हैं। सोमवार को जिले के सैकड़ों शिक्षक व महिला शिक्षकों ने कासगंज के जिला मुख्यालय पर नारेबाजी के साथ अपना प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षक नेताओं ने विभागीय समस्याएं बताते हुए कहा कि जनपद में भी ऐसे तमाम विद्यालय हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, जहाँ किसी भी कंपनी के मोबाइल नेटवर्क नहीं आते। कुछ जगह डिजिटल करने का प्रयास किया गया है, वहां से मोबाइल हैंग होने की खबरें आ रही हैं। और जनपद में ऐसे काफी विद्यालय हैं जहां मोटरसाइकिल या कार तो छोड़िए पैदल भी निकलना दुर्भर है। आपको बता दें, समूचे उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की उपस्थिति डिजिटल की जा रही है। विभागीय आदेशों में कोई भी मानवता नहीं दिखाई गई है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह यादव है। देवेंद्र सिंह, आज जो कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया, क्या मांग? हमने आज कलेक्ट्रेट पर प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर महिला शिक्षक संघ हो, प्राथमिक शिक्षक संघ हो, राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ हो, BCPTC संघ है, शिक्षा मित्र संघ है, अनुदेशक संघ है, यूटा संघ है, सारे संगठनों ने मिलकर के एक संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया और संयुक्त मोर्चा के बैनर तले हम लोगों ने आज ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में माननीय जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से हमने मांग की सरकार हम पर हमारा ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से उत्पीड़न कर रही है, हमारे जनपद के अधिकारी जबरदस्ती हम पर इस ऑनलाइन उपस्थिति को थोपने का काम कर रहे हैं। हम ऑनलाइन उपस्थिति, हमारी जो मांगे हैं, सरकार हमारी उन मांगों को नहीं मान रही है। हम ऑनलाइन उपस्थिति देने में असमर्थ हैं। अभी कुछ विवाद भी हुआ था, कुछ ABSA द्वारा जो स्कूल चेक किया उनमें विवाद। हाँ, अभी परसों का की बात है, प्राथमिक विद्यालय एरोली में सुरजीत सिंह नाम के हमारे शिक्षक साथी हैं, उनसे ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर के गहमा गहमी हुई। उन पर ऑनलाइन उपस्थिति देने के लिए खंड अधिकारी कासगंज ने उन पर अनैतिक दबाव बनाया, उनके हाथ से मोबाइल छीन करके उपस्थिति लगाने का काम किया। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, हम उपस्थिति नहीं देंगे, हम संगठन के साथ हैं और संगठन का भी ये आह्वान है, जनपद का कोई भी शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देगा। जी, अभी हम सभी ने यहाँ पर ये निर्णय लिया है, पूरे संयुक्त मोर्चा ने ये निर्णय लिया है। हम जितने भी विभागीय ग्रुप हैं, उन विभागीय ग्रुपों से आज ही लेफ्ट हो जाएंगे और संकुल मीटिंग का कल जो संकुल मीटिंग होगी, उस संकुल मीटिंग का भी बहिष्कार करते हैं। ये आज निर्णय सबने ले लिया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।